नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज की वीडियो है 11 जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर एक, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? जो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम है इसके मुख्य कोच के रूप में गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। तो गौतम गंभीर होंगे अब भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। डिटेल जान लेते हैं। तो गौतम गंभीर राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे। राहुल द्रविड़ जिन्होंने वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित 9वें आईसीसी T20 विश्व कप में भारतीय टीम की जीत के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इनकी जगह लेंगे अब गौतम गंभीर। राहुल द्रविड़ को 2021 में 3 साल के कार्यकाल के लिए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया था। गौतम गंभीर को बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया है। गौतम गंभीर को 2009 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2019 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक स्पॉन्सर कौन होगा? तो जो मुख्य स्पॉन्सर है अदानी ग्रुप। तो अदानी ग्रुप 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मेन स्पॉन्सर होंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री, भारत और किस देश के बीच जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता जुलाई 2024 में प्रभावी हुआ? तो ये भारत और ताइवान के बीच। तो भारत और ताइवान के बीच जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता जुलाई 2024 में प्रभावी हुआ है। जैविक उत्पादों के लिए भारत ताइवान पारस्परिक मान्यता समझौता म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट MRA 8 जुलाई 2024 को लागू हुआ और इसकी घोषणा नई दिल्ली में भारत और ताइवान के व्यापार पर 9वें कार्य समूह की बैठक में की गई। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA, इसके अनुसार भारत में जैविक खेती के अंतर्गत दूसरा सबसे बड़ा भूभाग है और ये दुनिया में जैविक उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर फोर, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस दिन को मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। सी ऑप्शन सही जवाब है, 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 11 जुलाई को 1990 से हर साल 11 जुलाई को दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में 11 जुलाई को मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। क्वेश्चन नंबर फाइव, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। तो किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? रूस से। ए ऑप्शन रूस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू दी अपोस्टल, तो इससे सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। क्वेश्चन नंबर सिक्स, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधान सलाहकार के रूप में डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए। तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। डॉक्टर सौम्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक है और इससे पहले भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर की महानिदेशक के रूप में कार्य कर चुकी है। आईसीएमआर है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसकी महानिदेशक के रूप में कार्य कर चुकी हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जिन्हें राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रह्म कुमारी के दिव्या रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो इन्होंने भुवनेश्वर में, तो भुवनेश्वर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्या रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो गया। दोस्तों, तो ये आज 11 जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।